पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रमुख नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके पुत्र दीपेंद्र ने किलोई में वोट डाला। देखें क्या बोले। चल रहा प्रदेश में किस तरह के पक्ष में लहर चल रही है और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, कांग्रेस की सरकार बननी जा रही है। तो जिस तरह से बीजेपी कह रही 75 पार कह रही थी, अब कितने पार लग रहे हैं? हम तो पार ही पार है। देखो कोई भी कह सकता है 90 सीटों के अंदर हम 110 आएंगे, उनका थोड़ा ये फैसला तो लोगों ने करना है। हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस की सरकार बनने। हम तो भाई 55 काट दें आपकी। ठीक है जी जी। दीपेंद्र जी, किस तरह का क्या माहौल पूरे प्रदेश में और क्या कहना? प्रदेश का जो माहौल इतनी तेजी से सरकार के खिलाफ बना पिछले कुछ दिनों में, तो सही पता चलता है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भावना थी कि प्रदेश सरकार एक तानाशाह रवैये से चली, लोगों की भावनाओं को रौंदते हुए चली, सबका अपमान करके चली और अहंकार और एक नाकामी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।